गुड मॉर्निंग 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेकंड चैप्टर दैट इज हेल्थ एंड डिजीज। इसमें सबसे पहला हेल्थ के बारे में पूछा। हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस। यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा, राइट? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल सोशल एंड फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस। इज दिस क्लियर? तो हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस। व्हाट इज डिजीज? कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। मतलब अगर हमारा फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिक्स मतलब हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, या साइकोलॉजिकल माइंड में के प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको बोलेंगे डिजीज। तो कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ डिजीज। You must have read the name of various diseases like diabetes, common cold, asthma, Down syndrome, heart disease, resonant symptoms. All these diseases are different. To bring coordination in scientific study of diseases, diseases are classified in two types. Disease two type ka hota hai, according to duration, according to reason. Duration ke hisab se, time ke hisab se, chronic disease and acute disease, or reason ke hisab se, hereditary disease and acquired disease. हेरिडिटरी डिजीज में डाउन सिंड्रोम आता है, एक्वायर्ड डिजीज में इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मतलब जो इन्फेक्शन से पलता है, कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, एंड नॉन इन्फेक्शियस में डायबिटीज, हार्ट एंड डिजीज, हार्ट डिजीज। अभी देखो ड्यूरेशन मतलब टाइम, क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे टाइम का डिजीज है, बहुत बड़ी बीमारी होती है, लंबे टाइम की बीमारी होती है, एक्यूट मतलब शॉर्ट बीमारी, छोटी बीमारी होती है, छोटे टाइम के लिए होती है। अकॉर्डिंग टू रीजन की वजह से हेरिडिटरी डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज। हेरिडिटरी मतलब जो हमारे दादा से या हमारे पूर्वजों से अपने को बीमारी मिली रहेगी उसको हेरिडिटरी डिजीज बोलते हैं, जो डाउन सिंड्रोम नाम है। एक्वायर्ड डिजीज मतलब जो अभी अचानक हमको लगा। एक्वायर्ड डिजीज में दो है, इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जो इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है उसको इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं, जो इन्फेक्शन के थ्रू नहीं फैलता उसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। इन्फेक्शन के थ्रू फैलने वाला कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। इज दिस क्लियर? Then total there are two types of disease, according to duration, according to reason. According to duration में chronic and acute, according to reason में hereditary, acquired. Hereditary में Down syndrome है, acquired disease में infectious and non-infectious. Infectious में common cold, flu, dengue, and non-infectious में diabetes, heart and heart disease. Is this clear? Next is, what do you mean by infectious disease? Infectious disease का मतलब क्या? Disease spread through contaminated air, water, food or vectors are called infectious disease. मतलब ऐसा बीमारी जो गंदे पानी, गंदे हवा, गंदे फूड की वजह से होता है, या इंसेक्ट्स की वजह से होता है, या एनिमल्स की वजह से होता है, उसको बोलते हैं infectious disease. Is this clear? Disease through which contaminated जो होता है किसकी वजह से, इस disease spread through जो disease फैलता है, contaminated air, गंदा हवा, गंदा पानी, गंदा खाना, या इंसेक्ट की वजह से, उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज डेंगू। अब डेंगू किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो ले एग्स इन वाटर लॉग प्लेसेस एंड देयर बाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीज। मॉस्किटो जो होता है अपना अंडा देता है वाटर लॉग रुके हुए पानी में, और उनका पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। देखो जैसे यहाँ पे टायर में पानी रुका है, इसमें मॉस्किटो ने लार्वा दे दिया, तो लार्वा से पॉपुलेशन बढ़ने लगते हैं। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो स्प्रेड डिफरेंट डिजीज। अलग अलग टाइप के जो मच्छर होते हैं अलग अलग बीमारियाँ फैलाते हैं। डेंगू स्प्रेड बाय एडिस एजिप्टी करके जो मच्छर होती है वो डेंगू फैलाती है। दिस डिजीज इज कॉज बाय डेन I4 वायरस, ये वायरस का नाम है, बिलोंगिंग टू टाइप फ्लेवी वायरस। जो फ्लेवी वायरस होता है, तो ये पैराग्राफ समझो। मॉस्किटो ले एग्स इन द वाटर लॉग प्लेसेज। मॉस्किटो क्या करता है? वाटर लॉक प्लेसेस में अंडा देता है, देयर बाय देयर पॉपुलेशन इनक्रीज, उसका पॉपुलेशन बढ़ता है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो स्प्रेड डिफरेंट डिजीज। अलग अलग टाइप के मच्छर अलग अलग टाइप की बीमारी फैलाते हैं। डेंगू इज स्प्रेड बाय एडिलस एजिप्टी। डेंगू जो है एडिलस एजिप्टी फैलाती है। दिस डिजीज इज कॉज बाय डेन 1-4 वायरसेस। ये किसकी वजह से बीमारी किसकी वजह से होती है? डेन 1-4 वायरस, बिलोंगिंग टू टाइप फ्लेवी वायरस की वजह से होता है। सिम्टम क्या है? एक्यूट फीवर एंड हेडेक, वॉमिटिंग, बुखार आना, सर दर्द होना, उल्टी होना, पेन इन आई सॉकेट इज वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम, आँख दुखना, डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट दैट में लीड टू इंटरनल हेमोरेज। अपना प्लेटलेट कम हो जाता है काउंटिंग, जिससे हमको इंटरनल बीमारी हो जाती है। इज दिस क्लियर?
So for today's, there will be the too much question you have for the homework. The question is first question is what is health? तो health का answer लिखना है आपको. Second question is what is disease and types of disease. Disease में पूरा meaning आपको बताना है. Types of disease में ये map draw करना है. हाँ, उसके बाद next question है what is infectious disease. तो ये infectious disease का answer ये है, यहाँ से लेके disease से लेके disease तक. ठीक है, then टीबी के लिए क्या ट्रीटमेंट है, हेपेटाइटिस के लिए क्या ट्रीटमेंट है, सब दवा बीमारी है, बीमारी के ट्रीटमेंट दिए हुए हैं, सिम्टम दिए हुए हैं. तो कोई भी दो बीमारी का नाम, उसके सिम्टम, जैसे अभी टीबी का बीमारी के वैक्सीन क्या लगता है, बीसीजी वैक्सीन, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट को अलग से रखते हैं और बीसीजी वैक्सीन लगती है. सिम्टम क्या है, क्रोनिक कफ, कफ होता है, ब्लडी स्पिटिंग, खून निकलता है थूक में से, एमेंसिएशन, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, इसका दवा ये है. तो आप लोगों को कोई भी दो बीमारी का सिम्टम लिखना है और उसका प्रिवेंशन लिखना है. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अबाउट डेंगू एंड देयर सिम्टम्स. ओके, देन क्वेश्चन आई एम जस्ट गिविंग यू. तो आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर बताए गए. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज डिजीज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजीज, व्हाट इज इन्फेक्शियस डिजीज, एंड एक्सप्लेन डेंगू एंड देयर सिम्टम्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अबाउट अदर टू डिजीज along with their symptoms. Explain about other two diseases along with their symptoms, right? उसके लिए आप लोग को ये टेबल यूज, इस टेबल में से भी कोई भी दो बीमारी के बारे में बताना है, बीमारी का नाम क्या है, उसके सिम्टम्स और उसके प्रिवेंसेस. ओके, देन फॉर टूडे यू हैव टू कम्प्लीट द आंसर ऑफ दिस सिक्स क्वेश्चन. इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.